हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। वैसे तो हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं फंक्शन ओवरराइडिंग भी, हाइडिंग भी, वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, ये सबको। लेकिन ये वीडियो में हम लोग लगे तो वीडियो के कुछ पार्ट्स बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना सब कुछ कवर करना नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैंने कुछ पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर। सबसे पहले तो पार्ट वन में हमें ये देखना है कि ओवरलोड किस तरह से किया जाता है फंक्शन को और उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब यह है कि टू और मोर फंक्शंस हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर नोन एज ओवरलोडेड फंक्शंस। मींस क्या होगा कि दो से ज़्यादा फंक्शंस, उनके नाम सेम होते हैं, मतलब दो फंक्शंस अभी मैं बना के बताऊंगा किस तरह से, और जो उनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं, उसे ओवरलोडेड फंक्शंस कहा जाता है। आइए लगे तो मैं प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये होते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैंने ये प्रोग्राम कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, जिसमें मैंने एक फाइल बनाई है fun.cpp, और मैं इसमें प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ। तो किस तरह से इसे समझा जाएगा फंक्शन ओवरलोडिंग को, उसके बारे में बात करते हैं। हमारा प्रोग्राम हमेशा मेन से स्टार्ट होता है, तो मैं मेन को भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। देन गेट ch लास्ट में आने ही वाला है, तो मैं उसे भी लिख के रखता हूँ। नॉर्मली हम हर प्रोग्राम में इस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं। अच्छा, एक फंक्शन बनाता हूँ, जैसे मैं उस फंक्शन का कुछ नाम रखता हूँ। फंक्शन कैसे बनाते हैं, कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ हेलो, ये एक वर्ड है। इसके आगे दो ब्रैकेट्स लगा दिए, बन गया ये फंक्शन, और इस हेलो का करली ब्रैकेट यहाँ पे है। यहाँ सेमी कोलन दे दूंगा तो फंक्शन को मैं एंड कर रहा हूँ। इस तरह से मैं नहीं कर सकता, फंक्शन को मुझे डिफाइन करना है। इसमें दो से ज़्यादा लाइन्स, कितनी भी लाइन्स आप लिख सकते हो। चलो एक फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ फिर से, पहले तो मैं हेलो ही रखता हूँ, और इसमें लिख देता हूँ सी आउट। और मैं कुछ प्रिंट कराने की अगर कोशिश करूँ तो मैं लिख देता हूँ, प्रिंट कर दिया जाए हाय, ये मैंने यहाँ पे हाय लिख दिया है बस। तो ये मैंने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है इस मेन फंक्शन के बाहर, देख सकते हो। और कंपाइलर हमेशा मेन से एग्जीक्यूशन शुरू करता है। अगर इसके अंदर कोई लाइन नहीं लिखी तो आउटपुट स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। मैं लगे तो आपको रन करके दिखाता हूँ। जब सबसे पहले बिल्ड एंड रन, मैं बिल्ड एंड रन कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हो आउटपुट स्क्रीन पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, देख सकते हो आप लोग। अच्छा, तो मैं आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराने के लिए लिख देता हूँ सी आउट, और यहाँ लिख देता हूँ बाय। अब मैं रन कराता हूँ इसे, मतलब जो लाइन मेन के अंदर लिखी होगी बस वही लाइन हम चला सकते हैं, कंपाइलर उसी लाइन्स को चलाता है। तो बाय लिखा हुआ, बाय प्रिंट हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हो। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस हेलो फंक्शन को कॉल कर लिया जाए। कॉल कैसे करते हैं, जस्ट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हेलो, ये फंक्शन आपने कॉल कर लिया, और सेमी कोलन। अब मैं इसे रन कराने की कोशिश करता हूँ, बिल्ड एंड रन। तो मैं जैसे ही अभी रन करूँगा यहाँ पे हाई प्रिंट हो रहा है। अच्छा, मैं दो बार भी इसे कॉल कर सकता हूँ। आप चाहो तो इस फंक्शन को जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो इस तरीके से। मैं फिर से रन कर रहा हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हो दो बार हाई प्रिंट हो रहा है। अच्छा, लेकिन अगर मैं दो फंक्शन बनाऊँ, यहाँ पे एक फंक्शन का नाम रख देता हूँ हेलो वन, इस तरीके से, और इसमें भी लिखता हूँ सी आउट, और यहाँ लिख देता हूँ बाय। और यहाँ से अब मैं अगर इसे रन करूँ एक बार हेलो और एक बार हेलो वन को, ऐसे भी करा सकता हूँ। हेलो वन मतलब है दूसरा वाला फंक्शन, पहला अलग है दूसरा अलग है। अब मैं अगर रन कराऊँ तो भी चलेगा, पहले हाई आना चाहिए और दूसरी बार बाय प्रिंट होना चाहिए। ये देख सकते हो आप लोग, इस तरह से प्रिंट कर सकते हो आप। अच्छा, लेकिन अगर मैं फंक्शन का नाम सेम रखूँ, अब आएगी एरर, क्योंकि दो फंक्शन के एक दो फंक्शन हमने बनाए, दोनों के नाम सेम रखे, तो कंपाइलर कंफ्यूज है कि इस वाले मैं फंक्शन को कॉल करूं या इस वाले फंक्शन को कॉल करूं। ऐसे टाइम पे आप चाहो तो आर्ग्यूमेंट्स पास करके सेपरेट करा सकते हो। जैसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 6, जब वो हेलो का मीनिंग ढूंढ रहा है तो 6 को भी लेके जा रहा है, तो यहां पे एक मेमोरी होनी चाहिए जो 6 को रिसीव करे। तो मैं बना देता हूं इंट एक्स नाम की मेमोरी, बना सकते हो आप एक्स नाम की मेमोरी। चलो एक्स को ही प्रिंट करा लो। अब मैं इसे रन कराने की अगर कोशिश करूं हेलो 6 को, तो देखते हैं क्या होता है। मैं यहां से बिल्ड एंड रन कर रहा हूं, तो आप लोग देख सकते हो 6 प्रिंट हो रहा है। 6 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हेलो के अंदर 6 पास किया था जो इसके अंदर चला गया और यहां पे 6 प्रिंट हो गया। हाँ, अगर मैं कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता और अब अगर इसे रन करने की कोशिश करता तो बाय प्रिंट होता। क्यों बाय प्रिंट हो रहा है, देख सकते हो आप लोग, बाय हो रहा है क्योंकि आपने आर्ग्यूमेंट्स अगर कुछ पास नहीं किया तो कंपाइलर ये डिसाइड कर रहा है कि मुझे इस वाले फंक्शन को चलाना है, क्योंकि ये कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता,
ये तो लेता है, तो आपको एक आर्ग्यूमेंट लेकर ही जाना पड़ेगा। मतलब कंपाइलर कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर रहा है उसे कौन से वाले फंक्शन को कॉल करना है, इसे या इसे। तो इसे ही तो पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कंपाइलर डिसाइड करता है कंपाइल टाइम पे कि कौन से वाले फंक्शन को कॉल कराना है, तो उस हिसाब से कॉल करा रहा है। तो इसे ही हम लोग बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। यही है फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन की ओवरलोडिंग मैंने कर दी है। मैं चाहूँ तो एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूँ, इंट वाई भी लिख सकता है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे, 6, 7, ताकि 6 चला जाए एक्स में, 7 चला जाए वाई में। आप इस तरह से भी करा सकते हो। तो मैंने यहाँ एक्स लिखा हुआ है, दूसरा मैं वाई को भी प्रिंट करा सकता हूँ चाहूँ तो। अगर अब रन कराऊँ तो 6 और 7 दोनों प्रिंट होने चाहिए, 6 और 7, 67 दिखेगा। ये आप लोग देख सकते हो 6 और 7 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं अगली लाइन में लिखता हूँ हेलो और यहाँ पे कुछ पास नहीं करूँगा तो भी चलेगा। हाँ, आप दो से ज़्यादा और फंक्शंस बना सकते हो सेम नेम, उनके आर्ग्यूमेंट्स लेकिन अलग अलग होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या हो रहा है कि ये वाले आर्ग्यूमेंट्स ये, और इसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। आप चाहो तो एक सिंगल आर्ग्यूमेंट भी बना सकते हो, हेलो ब्रैकेट लगा के इसमें इंट के नाम की मेमोरी बना सकते हो। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ये सिंगल आर्ग्यूमेंट है। तो जब ये वाला कॉल होगा तो आपको एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो मैं एक पास करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो और एक आर्ग्यूमेंट मैं पास कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे पास करना है 9, बस। अब मैं रन करता हूँ तो सबसे पहले 6, 7 प्रिंट होना चाहिए, देन खाली वाला मतलब बाय प्रिंट होना चाहिए, देन 9, 6, 7, बाय एंड 9। देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है क्या। तो 6, 7, बाय एंड 9 प्रिंट हो रहा है। तो आप लोग चाहो तो इस तरह से प्रिंट करा सकते हो। हाँ, ये सारे देखो, अभी ये जितने भी फंक्शन हैं मैं यहाँ से इसे कट करता हूँ। ये मैंने कट किया। एक क्लास बनाता हूँ, क्लास क्लास का नाम मैं रख देता हूँ जैसे स्टूडेंट। आप कुछ भी नाम रख सकते हो क्लास का, आप लोगों ने क्लास इससे पहले सीखा ही है। इसके अंदर सारे फंक्शंस को कर देता हूँ पेस्ट, बस पेस्ट कर दिया। अब जितने भी फंक्शंस ओवरलोड किए हुए हैं वो एक क्लास के अंदर है, तो पहले इसे पब्लिक कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट सारे मेंबर्स प्राइवेट माने गए होते हैं। ये एक फंक्शन है, थोड़ा एक लाइन छोड़ देता हूँ ताकि, ये दूसरा फंक्शन है, ये एक लाइन छोड़ देता हूँ, ये तीसरा फंक्शन है। तो इसे थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर देख पाओ कि मैंने क्या किया है। यहाँ पे ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन और ये तीसरा फंक्शन। अब क्या करना पड़ेगा, इस तरह से हम नहीं कॉल कर सकते। अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम लिखना पड़ता है स्टूडेंट। क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा A1, क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम A1। अब मैं इन्हें अगर कॉल करना चाहता हूँ तो A1.hello लिख के कर सकता हूँ। तब क्या होगा, ये वाला पोर्शन कॉल हो जाएगा। मतलब हमें ये चीज़ पता चली कि हम क्लास के अंदर जो मेंबर्स बनाते हैं वहाँ पे भी फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं, सेम नाम रख सकते हैं फंक्शन का। हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है। मैं यहाँ पे A1.hello लिख देता हूँ और यहाँ पे A1.hello यहाँ पे भी लिख देता हूँ लास्ट में। तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अब मैं इसे अगर रन करने की कोशिश करूँ तो देखते हैं क्या होता है। मैं ये रन कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो 67 बाय और 9 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो आप लोग चाहो तो इस तरह से भी करा सकते हो, ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कर सकते हो, क्योंकि अब उसका मेंबर है। अगर मैं डायरेक्टली हेलो कॉल करूँगा तो एरर आएगी, क्योंकि ये क्लास का मेंबर है। क्लास के मेंबर्स को हम इसी तरह से एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के। तो हम क्लास के अंदर जो मेंबर्स बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट हम उन्हें कॉल कर सकते हैं, और सबके आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग हमें देने पड़ेंगे अगर सेम नाम रखना है। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं आपने एक क्लास और बना दी। मैं यहाँ पे एक क्लास और बना रहा हूँ, क्लास टीचर लिख रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आप सोचो कि मैं ओवरलोडिंग करना चाहता हूँ, एक फंक्शन को मैं रखना चाहता हूँ इस टीचर के अंदर, तो ये गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि एक क्लास में एक फंक्शन मैंने बनाया है, एक क्लास में दूसरा फंक्शन मैंने बना दिया है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। सी प्लस प्लस के रूल के हिसाब से दोनों फंक्शंस एक ही क्लास में होने चाहिए, यहीं पे दोनों फंक्शंस होने चाहिए, अलग अलग क्लास में नहीं होने चाहिए। अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो टीचर का, तो आप इस हेलो को कॉल कर सकते हो। अच्छा, आप लोग सोच रहे होगे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कोलन लगा के कि मैं इसे इनहेरिटेंस की थ्रू यूज़ करना चाहता हूँ, पब्लिक और ऊपर वाली क्लास का नाम है स्टूडेंट, इस तरह से, तो याद रखिए आप ऐसा भी नहीं कर सकते।
आप फंक्शन की ओवरलोडिंग नहीं कर सकते भले आपने इनहेरिटेंस का यूज़ किया है। फिर भी इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है लगे तो हम इस प्रोग्राम को आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, कमेंट कीजिए, और आप लोग मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।